स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट लेटर बी. ओके, यू नो, ओके, दिस इज बी लेटर. व्हिच लेटर इज दिस? हां, ये क्या कौन सा लेटर है? बी बी. ओके, नाउ लुक हियर, हाउ टू मेक लेटर बी. हम लेटर बी कैसे बनाते हैं? Firstly, make a standing line like this. Okay, which line is this? ये कौन सी line है? Standing line. Standing line. Okay. So now make half curve like this and make another half curve like this. And this is B. ये कौन सा letter बन गया? B. Okay. B. The sound of B is ba. अब हम बोलते हैं ना ba. 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 बोलते हैं ना ba. The sound. The sound of letter B is ba. सब लोग बोलिए मेरे साथ ba. Ba बोलो. Ba. Clear आवाज नहीं आ रही. Da. The phonic sound of letter B. Ba. So this is letter B and B. Tell me one more time, which line is this? ये कौन सी लाइन है? Standing line बोलो. आई. Standing line बोलो. Standing line. And in the lower side of standing line, we will make half curve like this. Okay? जब हमने ऐसा half curve बनाया, तो ये कौन सा letter बन गया? Small B. Small D. B, not D. Small this D. is capital B and this is small B. Understood? Small D. B. Yes. B. This is capital B. And this is small B. Now tell me what is the sound of letter B? Small B. Yes. Now tell me what is the sound of letter B? साउंड कैसा होता है बताइए मुझे. बोलो ब. ब. टेल मी ब. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी ब. द साउंड ऑफ लेटर बी इज ब. दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज ब. नाउ बी इज फॉर. बोलो बॉय. बी इज फॉर बॉल. बॉल. ओके, वेरी गुड. ये बॉल बना दी. व्हाट इज दिस? दिस इज बॉल. 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 ही इज फॉर बॉल. मैम आवाज सी के लिए. हेलो. बी इज फॉर बॉल. बोलो बी फॉर बॉल. बोलो एंड मैम दिया. टेल मी अनदर थिंग. बी इज फॉर. बोलो बॉय. बॉय. बॉल. एंड बी इज बॉय. बॉय. आप सबने बलून देखे है ना? बलून से प्ले करते हो कि नहीं? बोलो यस मैम करता हूँ. यस मैम करता हूँ. आपके मम्मा पापा बलून लाते हैं ना आपके लिए? बोलो यस मैम. यस मैम. यस. सो बी इज फॉर बलून. बी इज फॉर बॉल. बी इज फॉर. अच्छा ये बताओ, येलो कलर का होता है उसको ऐसे निकालते हो? नहीं नहीं, रेड कलर का होता है. यस बेटा, व्हाट हैपेंड? बोलो बनाना. बनाना. ओके. बनाना. माय वॉइस इज कमिंग. आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम. यस मैम. ओके फाइन. सो और बताइए, बी इज फॉर और क्या होता है? एक फ्रूट होता है जो येलो कलर का होता है. बनाना. बोलो बनाना. बोलो बनाना. बनाना. यस बनाना. सो बी इज फॉर बनाना. हाय अभिकल. हाय अभिकल. बी इज फॉर बनाना. Okay? Yes. Yes. Now tell me one more thing. When you go for sleeping,
जब आप स्लीप करने जाते हो तो किस पे स्लीप करते हो, किस पे सोते हो? किसमें स्लीप करते हो? बेड पे. वेरी गुड. सो बी फॉर बेड. ओके, बी फॉर बेड. बी फॉर बेड. कहाँ में जगा या कहाँ? बी इज फॉर बलून. बोलिए सब लोग मेरे साथ, बी इज फॉर बलून. बी इज बलून. बी इज फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. फॉर बैलून. फॉर बनाना. बोलो बी फॉर बनाना. बी फॉर बनाना. बी इज फॉर बेड. बोलो बी फॉर बेड. बी फॉर बेड. वेरी गुड. नाउ वन मोर, टेल मी वन मोर थिंग. स्काई पे ऐसे क्या फ्लाई करती है? बोलो बर्ड्स. बर्ड्स. बोलो बर्ड्स. Birds. So, birds. Bees is for bird. है ना? Bees से तो bird भी होती है. Bee is for bird. Bird. Bee is for bee. Bee for bee. Bee for bee. B is for bee. Okay. B is for bee. क्या होती है? Butterfly. हाँ जी मैम. Butterfly. Yes मैम. इसको honey बहुत like करती है वो. Honey पीती है वो. Okay. और flowers पे भी जाके वो बैठती है. So B is for balloon. B is for ball. B is for banana. B is for bed. B is for bird. And B is for bee. Okay? Understood? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, now identify this picture. What is this? बोलो बोलो क्या है? बोलो बैलून. बैलून. व्हाट इज दिस? बैलून. बोलो ना बैलून. बैलून. देखो देखो बैलून. हो, गिव मी द आंसर. व्हाट इज दिस? बैलून. बोलो देखो मैम क्या दिखा रही. बोलो ना बैलून. 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 व्हाट इज दिस? बॉल. बॉल. एंड व्हाट इज दिस? बनाना. इसे बोलो बनाना. बनाना. यस. एंड व्हाट इज दिस? Bed. Bird. Bee. को सब में sound क्या आ रहा है? B. The sound of letter B is क्या होता है letter sound? बोलिए. B. B. See? Balloon. Ball. Banana. Bed. Bird. Bee. सब में क्या आ रहा है? B. So, the sound of letter B is B. Okay? This is capital B. And this is small B. Understood how to make letter B? सबको समझ में आ गया कि letter B कैसे बनाना है? बोलो yes. Ma'am. Yes, yes, ma'am. Okay. So, can I erase it? बोलो. ओके मैम. मैम. ओके मैम. अच्छा ये सिखा दी. स्टूडेंट्स सपोज देखो ये क्या बना रही है. मैं बना आज ही बना बना दूंगी. दिस इज योर इंग्लिश कॉपी. पोलैंड की कॉपी होती है ना आपकी इंग्लिश की. ओके सो दिस इज योर इंग्लिश कॉपी. इन फोर लाइंस में लेटर बी कैसे बनाना है? यू कैन सी, आप देख सकते हो ये लाइंस आपको दिख रही हैं? यस मैम. बोलो. यस. हाउ मेनी लाइंस आर हियर? 1 2 3 एंड 4.
बोलो फोर लाइन योर इंग्लिश कॉपी हैविंग फोर लाइन ओके आपके इंग्लिश कॉपी में कितने लाइंस होते हैं फोर लाइन सो हाउ टू मेक लेटर बी लुक विद द हेल्प ऑफ थ्री लाइंस ऊपर की जो तीन की लाइनें हैं ना तीन लाइनें हैं इनमें हम लेटर बी बनाएंगे फॉर एग्जांपल एकदम टॉप से स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड थर्ड लाइन तक लाएंगे ओके एंड वन टू लाइन में हाफ कर्व लाइक दिस एंड दिस ओके बन गया ना लेटर बी क्या बन गया यस Yes, One more time. Standing line, half curve and half curve. We'll make letter B. Now, small letter. How to make small letter? Make a standing line. In four lines copy, we have used only three lines. Okay? Some of letters can be used four lines, but Now in letter B, we can use only three lines. So B, this is capital B and this is small b. Make standing line like this and half curve. Okay, understood? Sabko samajh mein aaya letter B kaisa banana hai? Isme aise thumb dikhao sab log mujhe. Show me your thumb like this. ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सो शो मी योर थंब ओके वेरी गुड सो दिस इज योर टुडेस वर्क होमवर्क ठीक है ना आपको क्या करना है इंग्लिश की कॉपी पे मैम विल सेंड पिक ऑफ लेटर बी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सो यू हैव टू कंप्लीट योर टुडेस होमवर्क Okay, so today's homework is write down letter B, capital B and small B. Samajh mein aaya sabko? Yes, ma'am. Okay, very good. Look here, there are some pictures. Some pictures are begun with letter B and some pictures are begun with different letter. So look at the first one. What is this? Kya hai ye bataiye mujhe? मग है ना मग 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 सो टेल मी बी इज फॉर मग होता है क्या बी से मग नो नहीं रॉन्ग है ना सो इस पे हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है नाउ बी इज फॉर बॉय बी इज फॉर बॉय Y को B लेटर से मैच करना है ओके नाउ बर्ड B इज फॉर बर्ड और नॉट B से बर्ड होती है कि नहीं बोलो यस मैम होती है यस सो यू हैव टू मैच बर्ड विद लेटर B आपको B लेट बर्ड को B से मैच करना है लाइक दिस ओके नाउ व्हाट इज दिस डॉग है बोलो डॉग Dog. Dog. Yes. So dog. B is for dog. It is correct or wrong? B is for dog. Correct. Wrong. No. B is for dog. It's a wrong. B is for dog होता है. So आप dog को B से match नहीं करोगे. Now this is boat. Boat. The sound is coming. Boat. B. So B is for boat. So you have to match with boat. And this is your school bag. जब आप स्कूल आओगे तो अपना बैग लेके आओगे ना उसमें बुक्स वगैरह रख के बैग जो है वो भी B से होता है So you have to match with letter B. B is for bag, B is for boat, B is for bird, and B is for boy. So, students, today we are going to doing some activities related to standing line.
ओके सबको पता है स्टैंडिंग लाइन कैसी होती है? हाँ ऐसे फिंगर दिखाओ सब लोग, आपकी फिंगर जो है वो किस पोजीशन में है? योर फिंगर इज स्टैंडिंग पोजीशन। आपकी फिंगर किस पोजीशन में? स्टैंडिंग पोजीशन में। ऐसे करो सब लोग, शो मी योर फिंगर लाइक दिस। यस है ना, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग में देखो मैम की अभी क्या पोजीशन है, मैम इज स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग पोजीशन है ना। मैम की पोजीशन वो भी स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग में स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड एंड फ्रॉम बॉटम। सो हियर देयर इज अ वन एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस स्टैंडिंग लाइन। What is this? ये क्या है? Balloon. Balloon. These are the balloons. Look. Balloons. The balloon strings are in standing position. जो balloon की string है वो किस position में है? Standing position में है. Okay. Standing. This is a standing line. The string of the balloon is in standing position. This is standing line. Standing line. Okay? You have to clear about standing line. आपको समझ में आया standing line कैसे draw करते हैं? Yes, ma'am. Make a straight line. एकदम सीधी line को हम standing line बोलते हैं. So parents. Students, this is your today's work. With the help of your parents, parents को क्या करना है? Copy पे balloon draw करके small small dots draw करने हैं. Okay parents, understood? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes ma'am. You have to small small dots. In the position of standing like this, you can see here. आप देख सकते हो ना यहाँ पे मैम कैसे कर रही हैं? Yes, ma'am. Okay. ये देखो मैम. मैं तो नहीं. ये देखो मैम. So, this is your parent task. ठीक है? ये parents को बच्चे को draw करके देना है copy पे. जब आपकी book आ जाएगी तो आप ये book पे work करना. Now in this time you will make an English copy. So आपको क्या करना है? एक ऐसा balloon draw करके ऐसे dot dot line draw करनी है. You have drawn only 3 balloons in one page, not more than 3. Understood? समझ में आ रहा है? Yes ma'am. Okay. Now after completing this work, students join all the dots. स्टूडेंट्स का क्या वर्क है? आपके पेरेंट्स ने ये वर्क करके आपको दिया. नाउ ज्वाइन ऑल द डॉट्स. दिस इज योर टास्क स्टूडेंट्स. यू हैव टू ज्वाइन ऑल द डॉट्स लाइक दिस. देखो जैसे मैम ज्वाइन कर रही है आपको भी वैसे ही ज्वाइन करना है. ओके ज्वाइन ऑल द लाइंस लाइक दिस. दिस इज स्टैंडिंग लाइन. बोलिए सब लोग मेरे साथ स्टैंडिंग लाइन. ओके ओके स्टैंडिंग अनदर लाइन लाइक दिस. दिस इज स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन दिस लाइक दिस. दिस इज स्टैंडिंग लाइन. बिफोर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइन स्टूडेंट विल टेल व्हिच लाइन दिस इज standing line. Okay, so this is for today's work. Okay, goodbye students. Good day. Bye bye beta.